सलाम प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आपका भाई इस टाइम कतर में है। कतर का यूएई रेजिडेंस के लिए वीजा ऐसे आता है, चुटकी में वीजा आता है। मजेदार बात यह है कि यार ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए बेस्ट हमारा नेबर कंट्री आप जाते जाते होते जाए। लोग कहते हैं जी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए जी माना नहीं जाता है, ऐसा नहीं होता। वो भाई स्टैंप लगती है इसकी, वो एग्जिट एंट्री पे स्टैंप लगती है। आप कहीं पर भी जाते हो ना, जब VFS में अप्लाई करते हो, मेरे इतने दोस्त हैं मेरे साथ, ये सीन हो गया। जितनी दूसरी कंट्रीज हैं ये आपको देखते हैं, ये नहीं देखते कि साथ वाली कंट्री में गए हो कि इधर हो, वो देखते हैं आपने एग्जिट एंट्री की या उधर के नहीं की। तो ये होती जी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। मैं लोग कहते हैं जी मानी नहीं जाती, भाई मानी जाती है। आप पता नहीं कहाँ रहते हैं जहां पर मानी नहीं जाती, लेकिन ये मानी जाती है। शेंजन वीजा लगवाने के लिए या आपने यूके का वीजा लगवाना है, स्टेट्स का वीजा लगाना है, कनाडा का लगवाना है, यार जबरदस्त चीज है कि आप पाकिस्तान जाते जाते ना दो दिन स्टे करके इधर तो फिर चले। जब पाकिस्तान जाना तो आपने होता है पाकिस्तान, तो दो दिन इधर स्टे मारे, एक तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी और जो टिकट ले रहे होंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा 500 का डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कतर एयरवेज से जा रहे हो तो आप यहां से यूएई से दोहा जाओगे, दोहा से आप पाकिस्तान जाओगे और पाकिस्तान से आप डायरेक्ट भी आ सकते हो या कतर की भी ले। अगर आप सेम फ्लाइट लेते हैं तो चीप भी पड़ता है। तो भाई मैं आपको बताने का मकसद ये है कि जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो बनाने के लिए बहुत अच्छी चीज है यार। ये ट्रैवल जरूर करो, एक तो इंसान फ्रेश हो जाता है। जिंदगी सिर्फ एक दफा मिलती है यार, उसमें ये नहीं होना चाहिए जब आप 60 साल में पहुंचो तो यार मैंने सारी उम्र सिर्फ UAE में ही गुजारी है। यार जरूर करो, चीजें कभी भी जो है ना वो खत्म नहीं होती, हमारे काम कभी खत्म नहीं होते, हमें टाइम निकालना पड़ता है, प्रायोरिटीज करनी पड़ती है। लो जी बताने की सारी यार ये तो कुछ होगी, कुछ दुखी सारी बातें होगी। चीजें ये हैं कि आपने वीजा कैसे लेना है, इजी वीजा है, कोई आपने लाइनों में नहीं लगना, कोई आपने अपॉइंटमेंट नहीं बुक करनी, कोई आपने इधर नहीं जाना, किसी एजेंट के पास नहीं जाना, ऐसे अप्लाई करो और ऐसे वीजा आता है। कतर का आपने इजी में बताता हूं, सबसे इजी है यार, बहुत इजी वीजा हैं यार, ये ओमान का, कतर का, सऊदी का, ये बड़े इजी वीजे हैं। और आपने क्या करना है जनाब जी, आपने जाना जी गूगल पे जाके लिखें haya.com, haya ठीक है, haya.qatar ठीक है, वो लिखेंगे, वो इसका एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट के ऊपर आपको सबसे पहले वो बनाना पड़ता है, अपना क्रिएट अकाउंट करना पड़ता है। अकाउंट करते साथ ही आपको जनाब जी उसके ऊपर ऑप्शन आती है कि UAE रेजिडेंस के लिए या GCC रेजिडेंस के लिए आपको क्या करना चाहिए, वीजा कैसे आप ले सकते हैं, उसकी 4-5 ऑप्शंस है, वहां पर क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगा। ऑप्शन पे ले आएगा, ऑप्शन पे आप पहले अपना नाम लिखें जो पासपोर्ट के ऊपर है, लास्ट नेम लिखे, पासपोर्ट नंबर दे लेते, साथ ही 2-4 चीजें और हैं। उसके बाद आप वो नीचे आपको वो कह देगा कि भी अपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। अब डॉक्यूमेंट्स अटैच करने में क्या चाहिए, आपकी एक पिक्चर चाहिए, पासपोर्ट चाहिए और आपका वीजा चाहिए। जो अब तो वीजा स्टैम्प नहीं है लेकिन ICA से आप ले सकते हो, वो चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है जी, वो आपने ID कार्ड लेना, ID कार्ड फ्रंट और बैक दोनों करनी है आपने। मेरे से क्या सीन हो गया, मैंने सिर्फ फ्रंट की, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, अपलोड करते साथ ही 5-7 मिनट में मुझे एक ईमेल आ गई कि जी आपका वीजा अप्रूव नहीं हुआ। मैंने कहा अप्रूव क्यों नहीं हुआ, जाके देखा, ईमेल चेक की तो उन्होंने कहा कि आपका जो एमिरेट्स आईडी है उसकी बैक साइड का भी चाहिए, क्योंकि बैक साइड पे अब आजकल के एक तो आपके कंपनी नेम लिखा होता है प्लस आपका ऑक्यूपेशन लिखा होता है, और वही ऑक्यूपेशन आपको ऊपर वीजा फिल करते हुए जो क्राइटेरियाज आते हैं उनके कॉलम्स आते हैं उसमें क्लिक करना होता है, जो आपके पास लिखा होगा वीजा वो। अगर हाँ, अगर उसमें वीजा नहीं है तो, क्योंकि वो एक कैटेगरीज है उनकी, उसमें नहीं है तो एक और ऑप्शन आती है अदर वीजा, ठीक है। अदर वीजा में जाके आप अपने एज पर जो एमिरेट्स आईडी है उसका वीजा का नेम लिख दें। फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंट्स क्लर्क हैं या कुछ और हैं, ठीक है, क्लर्क और ऐसे का कुछ भी है वो आप लिख दें। इसके साथ ही आप जैसे ही अपलोड करेंगे उसकी मेरे ख्याल 24 आवर्स का वो टाइम लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है ना दो घंटे 3 घंटे में अप्रूवल आ जाती रहती है। मेरा तो वह मेरे तो 10-15 मिनट में ही आ गई थी, क्योंकि वो वीजा के वो डॉक्यूमेंट नहीं थे। अच्छा जी जनाब जी, मैंने जैसे ही उसको अप्लाई किया, मैंने अपने एमिरेट्स आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक साइड दोनों लगा दी, करते साथ ही मैंने भेज दी, उन्होंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करते साथ ही जनाब जी वो चला गया जी प्रोसेसिंग में। अच्छा, हाया की जो ऐप है उसके अंदर आप जैसे आप प्रोसेस करते हैं,
एक नंबर देता है, वो फाइल नंबर से ही होती है, ठीक है, वो आपकी ईमेल में आ जाती है। अगर आपको पता करना है कि वो क्या चल रहा है तो आप वो भी देख सकते हैं कि आपका वीजा कहां पर स्टेटस है, ठीक है। 2 घंटे बाद उनकी एक ईमेल आ गई जनाब। मजेदार बात यह है कि उसमें लिखा है जी योर वीजा हैज बीन अप्रूव, बट उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। वो अंडर प्रोसेस आ गया, अंडर प्रोसेस के बाद क्या है जी, वो वहां पर जाकर आपको क्लिक करना पड़ता है और क्लिक करते साथ ही आपको पेमेंट पोर्टल पे ले जाता है जहां पर आपको वाया कार्ड से पेमेंट करने पड़ते हैं। जनाब आपने वाया कार्ड से पेमेंट करनी, पेमेंट करते साथ ही आपने क्या करना है, ठीक है, पेमेंट जैसे ही अप्रूव होगी आपको विद इन 1 मिनट में यार वीजा ऑन जो है ना वो आपकी ईमेल में आ जाता है। अब ईमेल आपने जो ना करेक्ट देनी है, स्पेलिंग ये वगैरह सारी चीजें देखिए, क्योंकि सारी कॉरेस्पॉन्डेंस आपकी ईमेल में। तो भाई जान ये है जी कतर का वीजा, कोई मुश्किल नहीं है यार, आप जो है ना मुझे कमेंट करें, मैं आपको इजी बता दूंगा। इतना इजी है यार, और इससे मजेदार बात पे लगे यार कॉन्फिडेंस आता है कि हम यार खुद कर रहे हो वीजा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार आप वीजा जो है ना खुद अप्लाई करो, खुद जाओ, खजल खुआर हो जरूर। लोग कहते हैं ना पैसे देके एजेंटों को करवाते, यार आपको पता ही नहीं लगता, आपको पता ही नहीं चलता कि यार आप वीजा कैसे प्रोसेस होता है। मजेदार बात यह है कि एक तो पैसे आप बचाओगे और इजी वीजा निकलेगा, वरना यही वीजा आप अगर उनको एजेंट को बोलो वो कहेंगे 200 का जनाब, 300 का काम उन्होंने यही करना होता है। तो जनाब ये सीन है, वीजा आपने लेना है, और वीजा लेते साथ ही आपने जब भी ट्रैवल करना ना आपने इंश्योरेंस परचेज करनी है, वो चीज जिनसे करनी है इंश्योरेंस परचेज करनी है, होटल बुकिंग करनी है, होटल बुकिंग करने के बाद आपने टिकट लेनी है, टिकट लेने के बाद आपने पहुंच जाना अपने एयरलाइन काउंटर पे, वो आपसे चीजें पूछेंगी। मेरे साथ छोटा सा एक्सपीरियंस हो गया, जब मैं उधर पहुंचा तो जनाब जी क्या हुआ, उधर पहुंचने के साथ ही मुझे जो है उन्होंने कहा कि जी आप ये वीजा जो है वीजा वैलिड है, ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस आपने ऐसे नहीं, इंश्योरेंस कैसे लिया आपने। मैंने उनको बताया कि आप गूगल पे जाए उधर विजिट कतर लिखा हुआ है, उधर से कतर क्लिक करें, वहां आपको इंश्योरेंस पोर्टल पे ले जाएगा और वो वहां से आपको QIC मीन्स कतर इंश्योरेंस कंपनी की आपको इंश्योरेंस मिल जाएगी। अब जनाब जी वो आपने लेके वो आपने पहुंच जाना उधर, ठीक है, वो अच्छा मजेदार ये चीजें हमेशा मैं यही करता हूँ यार, पहले मुझे इस चीजों का नहीं पता, लेकिन एक्सपीरियंस कहते हैं लोगों से सीखना चाहिए। आप सारी चीजें प्रिंट करके लेके जाओ, सारी चीजें प्रिंट करके लेके जाओ यार, कहीं ना कुछ वो। अच्छा मैंने क्या किया था, मैं एक्चुअली ऑनलाइन बुक करता हूँ मैं सारी चीजें, तो मैंने अपनी टिकट्स भी प्रिंट आउट की, ये सारा कुछ प्रिंट आउट करने के बाद जो है ना मैं पहुंच जाता हूँ उधर, चीजें मैं थोड़ा सा पेपर्स बना लेता हूँ। आप जब काउंटर पर पहुंचेंगे आपकी वो चीजें चेक करेंगे, चीजें चेक करने के बाद आपको वो बोर्डिंग पास दे देंगे। चीजें आपके पास पूरी होनी चाहिए, सबसे पहले कतर का वीजा, वीजा ऑन अराइवल भी मिलता है लेकिन कैटेगरीज पे, ठीक है, बेटर यही है यार आप मुश्किल में न जाओ और कतर का वीजा लो। लो जी टोटल खर्चा आपका 150 का होगा, इधर आपके यार दोस्त तो होते ही हैं फिर कतर में कहीं ना कहीं, तो बंदा कहीं ना कहीं स्टे मार लेता है। यही प्रेफर करूंगा कि यार ट्रैवल करने के लिए ना हिस्ट्री बनाने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो इसमें कि यार इसको वीजा कैसे अप्लाई करना है, मैं आपको उसी टाइम कोशिश करूंगा या वेरी नेक्स्ट टाइम मैं उस पर कोशिश करूंगा कि यार आपको बता सकूं कि आपने कतर का वीजा कैसे लेना है, ओमान का वीजा कैसे लेना है, कतर का वीजा कैसे लेना है। इजी है यार ये, क्योंकि ये एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है यार। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए ना ये करनी चाहिए, जिंदगी एक ही होती है, मजा करना चाहिए। वो हमारे साथ वाले मुल्क की एक बड़ी खूबसूरत ऋतिक रोशन की मूवी है यार, इतने के जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो वो कितना एंजॉय करते हैं यार। तो चिल मारो, एंजॉय करो लाइफ एक। चलें जी, ओके जी, सर जी खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, सब अपना अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफिज।